से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। मौसम ने लोगों को सताना एक बार फिर से शुरू किया है। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में घना कोहरा और शीतलहर के चलते जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। आज राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो सीजन का सबसे घना कोहरा दर्ज किया गया है। जयपुर में करीब 4 घंटों तक जो विजिबिलिटी रही महज 30 से 40 मीटर तक दर्ज की गई। और ये भी बता दें कि यहाँ पर सुबह के वक्त शीतलहर का कहर देखने को मिला। विजिबिलिटी बेहद कम रही, घना कोहरा था, लोग बेहद परेशान होते हुए नजर आए। तो वहीं पर बीती रात प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात के तापमान की अगर बात की जाए तो बढ़ोतरी दर्ज की गई। और बीती रात प्रदेश के करीब सभी जिलों में जहां पर रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं पर करीब 1.5 दर्जन जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री के पार दर्ज किया गया। और इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में अब रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। आज सुबह की शुरुआत के साथ ही कोटा में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ मिला। सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला जो 11 बजे तक भी बना रहा। इसके चलते वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ी, जनजीवन प्रभावित रहा, विजिबिलिटी बेहद कम रही, 100 मीटर के करीब तक विजिबिलिटी पहुंच गई। आज घने कोहरे की चपेट में है कोटा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिन मौसम जो है वो बिगड़ा हुआ रह सकता है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था अगले 2 दिन तक हल्की बारिश हो सकती है और आज से कल तक ये जो चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से दी गई है और आज इसका जो असर है वो देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल ये कोटा कैथून रोड की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि वक्त सुबह के करीब 11 बजे का है और यहां पर वाहनों की जो हेडलाइट्स हैं वो जली हुई है, वाहनों की जो रफ्तार है वो थमी हुई है और घना कोहरा जो है वो आप देख सकते हैं। पूरे शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों में कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं घने कोहरे की वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज और कल हल्की जो बारिश है वो हो सकती है और इसके साथ में एक बार फिर से जो ठंड का असर है वो बढ़ सकता है। आज भी कोहरे के साथ में जो धुंध है वो पड़ रही है, हल्की जो शीतलहर है उसका असर देखने को मिल रहा है जिसके चलते बीते दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तो कह सकते हैं कि आज से फिर जो अगले दिनों तक ठंड का जो असर है वो बढ़ सकता है, तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा सकती है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।